दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ही जल्द इंडियन आर्मी गिरफ्तार करने वाली है? जी हां दोस्तों, किस लिए तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मलिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस यहां से वीडियो को लाइक कर दें। तो जी हां दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने के बाद जो है बहुत सारे मामला जो है खुलकर सामने आने लगे हैं। जैसा कि दोस्तों इंडियन आर्मी के जवानों को पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे फसाद की जो जड़ है। जी हाँ दोस्तों, सब हमले में उसी का हाथ है। बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं जिनमें जो है साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी का हाथ था पुलवामे में भी, और हर कोशिश करने के बाद कशीदगी फैल चुकी है दोनों ममालिक की तरफ, जहां पर कांग्रेस की एक पार्टी के डाग विजय ने भी खुलकर नरेंद्र मोदी की जो है मुखालफत कर दी है। उन्होंने यही कहा है कि ये सब काम जितना भी रचा गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से रचा गया है। अभिनंदन को छोड़ने के बाद इंडियन आर्मी ने फौरन उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जो है उससे पूछगूछ शुरू कर दी है। वहाँ पर उससे जो है बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। क्या वो माना जा रहा है कि ये ISI का बंदा बन गया है? लेकिन दोस्तों, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी तफसीलात के साथ जो भी बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये सब कुछ रचा गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इंडिया में अभी इलेक्शन होने वाले थे। नरेंद्र मोदी को साफ नज़र आ रहा था कि अगर मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं जिसमें जो है मैं कामयाब हो सकूं और मैं जो है अपनी आवाम को खुश कर सकूं, लेकिन दोस्तों उसकी जितनी भी चालें थी वो सब की सब जो है पकड़ी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपनी ही फौज पर अटैक करवाया और उसने जो है अपने ही फौजियों की लाशों से गुजर कर इलेक्शन जीतना चाहता था, जिसमें से जो है 40 एहलकार जो है उसने मरवा दिए, अपने ही आदमियों को मरवा दिया। उसके बाद दोस्तों उसकी वो चाल कामयाब नहीं हुई। उसके बाद उसने फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया, लेकिन उल्टा ही उसका अपने ही पायलट पाकिस्तान के हाथों पकड़ा गया। उसके बाद जो है दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान ने जो है अभिनंदन को छोड़ा। उसके बाद जो है मोदी अभी भी बाज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि बहुत ही जल्द इंडियन आर्मी नरेंद्र मोदी को जो है गिरफ्तार कर लेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।